नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम में। साथियों, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप आईटी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज हम एक ऐसी नई चीज़ आपके लिए लेकर के आए हैं। काफ़ी दिन से इस चीज़ का इंतजार छात्र भी कर रहे थे, कमेंट ही बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि सर कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा। तो मैंने कहा था कि अभी वेट करो वेट करो, काफ़ी दिन से मैं रोक कर रखा हूँ आप लोगों को भी। तो फाइनली अब जो है हमारा जो चीज़ है वो तैयार हो चुकी है, ठीक है। खासकर आपके एग्जामिनेशन की तैयारी को लेकर के चीज़ें हैं, एप्लीकेशन को लेकर चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये लॉन्च जो होने जा रहा है ये हमारे नए एप्लीकेशन का है, ठीक है। पहले जो एप्लीकेशन आपने देखा होगा, भाई मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले जब आप लोग एप्लीकेशन पहले आपने देखा होगा तो इस प्रकार से दिखता होगा आप लोगों को, ठीक है। इस प्रकार के जो ओल्ड चीज़ें थी, मतलब जो हमारा पुराना एप्लीकेशन था, वो इस प्रकार से आपको शो होता होगा। इसमें क्या था, काफ़ी सारे छात्र परेशान हो रहे थे कि सर एक तो इसमें क्वालिटी की दिक्कत है, वीडियो चलाते हैं क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंटरनेट खाती है वीडियो, बहुत सारे कमेंट सर इसमें, मतलब जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आता, बहुत सारी समस्याएं थी। कोई कोर्स अगर परचेस कर रहा है, खरीद रहा है, तो उसके बाद कोर्स कहाँ मिलेगा, बहुत सारा झंझट था। तो इसी चीज़ को देखते हुए अब जो नई चीज़ है मैंने आप लोग के लिए स्टार्ट कर दी है। मेरे भाई, आप लोग के लिए नया एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। नया क्या, वही है जो असम आपने देखा होगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा उसमें हमने अपडेट कर दिया है, एप्लीकेशन पूरी तरह बदल गया है। आपको सिर्फ इतना करना है, आप सबसे पहले मैं सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को लास्ट तक देखना यदि आप आईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है जहाँ से आप गेम वगैरह डाउनलोड करते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिलता होगा इस प्रकार से, भाई गेम वगैरह सब लोग चलाते होंगे ना, तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिलेगा। सर्च में टाइप करो आईटी एग्ज़ाम, आईटी एग्जाम जैसे आप लोग यहां पर सर्च करोगे तो इस प्रकार से या तो इसको अपडेट कर दो, या फिर सिंपल आपको करना है आपको ना इसको अनइंस्टॉल कर देना है। आपको एक बार इस एप्लीकेशन जो आप मतलब जो पुराना एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है अभी, यदि अभी तक आपने डाउनलोड ही नहीं किया, डाउनलोड कर लो जाकर सर्च करके। यदि आपके पास ओल्ड एप्लीकेशन है उसको अपडेट करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको अनइंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है। अनइंस्टॉल का मतलब ये हो जाता है कि आपने एप्लीकेशन को दोबारा काट करके दोबारा डाउनलोड करना है, बस ये ध्यान रखना। अनइंस्टॉल करो, फिर से इंस्टॉल करो, ठीक है ना। मतलब पहले आप इसको डिलीट करो एप्लीकेशन को, अनइंस्टॉल करके दोबारा फिर से डाउनलोड करो, ये अपडेट होकर के नया वर्जन आपके सामने, जब आप लोग इसको डाउनलोड दोबारा से कर लोगे, ओपन करोगे, तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर नंबर वन पे इधर देख लो भाई, है ना। बाद में फिर कमेंट आएंगे कि सर कैसे चलेगा मामला। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार के नया एप्लीकेशन का जो है लेआउट आपको इस प्रकार से शो होगा। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, रजिस्टर का और लॉगिन का। पहला, जो नए छात्र जा रहे हैं एप्लीकेशन पे, उन्हें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले अपना नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड और आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका स्टेट, वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। दूसरी बात, जैसे मैंने मतलब मान लीजिए मेरे पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर भरकर दे दी, मैंने मान लीजिए डिटेल भर दी आपको यहाँ पर, मैंने मेल आईडी भर दी। उसके बाद यहाँ पर यदि आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने हो सकता है इस प्रकार का एरर शो करे, फोन नंबर ऑलरेडी रजिस्टर। क्योंकि ये क्या है ना, हमने आप लोगों की सुविधा के लिए यहीं का यहीं मैंने इसको अपडेट करवा दिया है एप्लीकेशन को। आपको यदि फ़ोन नंबर ऑलरेडी रजिस्टर का आपको एरर दिखता है, ठीक है, काफ़ी सारे छात्रों को ये एरर आएगा, क्योंकि हो सकता है आप उसी सेम नंबर से लॉगिन करें। तो यदि इस नंबर से आपको इस प्रकार शो करता है फ़ोन नंबर ऑलरेडी रजिस्टर, यदि इस प्रकार का एरर आता है तो आप सिंपल क्या करोगे, आप लोग दोबारा फिर से आपको क्या करना है, आप बैक जाओगे और बैक वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपसे आपका मेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा ये कि भाई पासवर्ड डालो, आप कौन से नंबर से कर रहे हो। आपको मोबाइल नंबर तो पता है लेकिन पासवर्ड नहीं पता कि पासवर्ड क्या है, तो आपको सिंपल है रीसेट का जो ऑप्शन बटन दिख रहा है ना आपको, पॉकेट पासवर्ड, रीसेट के बटन पर क्लिक कर देना और फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना और ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, और ओटीपी आपको भैया यहाँ पर डाल देना है, और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड जो भी आपको डालना है, क्योंकि जब भी आप ये आपके सिक्योरिटी के लिए ही है मेरे भाई, जब भी आप एप्लीकेशन ओपन किया करोगे तो आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड मतलब सिर्फ एक ही बार मांगेगा, सिर्फ बार बार नहीं मांगा करेगा, सिर्फ एक बार ही मांगेगा बस। तो ये आपके सिक्योरिटी के लिए, आपके आप पासवर्ड कुछ ही बना सकते हो अपनी मर्जी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख दो, आपके आपकी इच्छा है, कुछ भी पासवर्ड आप बना सकते हो अपने एप्लीकेशन का। फिर उसके बाद दोबारा फिर से आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालो और अपना पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लो, बस सिंपल है।
ठीक है ना। और यदि नए छात्र हो बिल्कुल, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया जो प्रोसेस है नए छात्रों का, इस प्रकार से प्रोसेस होगा। सिंपल अपना डिटेल्स डालो और रजिस्टर पे क्लिक करो। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने प्यारा सा हमारा एप्लीकेशन इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा नया एप्लीकेशन का लुक है मेरे भाई। देख करके बताना कि कैसा लग रहा है मेरे भाई, ठीक है ना, कमेंट में जरूर बताना। ये सारी चीज़ें मैंने आपकी सुविधा के लिए ही मैंने करी है मेरे भाई, ठीक है। तो एप्लीकेशन का जो लिंक है, वो लेआउट है, वो इस प्रकार से कुछ खुलेगा। आपको सारा का सारा मामला मिलेगा इसमें। ऑल पेड क्लासेस हैं, अदर एग्जाम के लिए पेड टेस्ट मिलेंगे आपको, फ्री पीडीएफ भी मिलेगी, फ्री टेस्ट, सिलेबस, प्रीवियस जो पिछले सालों के पेपर है वो भी दिए गए हैं, नोट्स भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर जॉब अलर्ट का ऑप्शन है, यानी कि जो नई नई जॉब्स आएंगी, वैकेंसी, उसकी अपडेट भी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, ठीक है। तो यदि आपको क्या काम करना है, यदि आपको अपना कोर्स देखना है कि मेरा ट्रेड कौन सा है, तो आपको करना है ऑल पेड क्लासेस पे क्लिक कर देना है। ऑल पेड क्लासेस पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारी यहाँ पर आपके ऑप्शन खुल जाएंगे। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, कोपा वेल्ड, जो भी आपकी ट्रेड है मेरे भाई, जो भी आपकी ट्रेड है उस पर क्लिक कर दो। मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, आपने इलेक्ट्रीशियन पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन का जो बैच है वो आपके सामने इस प्रकार से शो होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रीशियन का जो बैच है वो इस प्रकार सा हो जाएगा। आप व्यू डेमो भी देख सकते हैं कि इसमें कोर्स में क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, व्यू डेमो भी देख सकते हैं, या फिर आप सिंपल यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करके बाय भी कर सकते हैं। देखो प्राइस है भैया इसका 699 जो इस कोर्स का प्राइस है, ठीक है ना। कोर्स का प्राइस पे ना ऑनलाइन पे क्लिक करो, उसके सामने इस प्रकार से ऑप्शन खुलेगा और आपके सामने जो भी आप फोन पे गूगल पे चला रहे हो उससे आप पे करके अपने तैयारी को बढ़ा सकते हैं। अब आप कहोगे सर कोर्स मिलेगा कैसे, सिंपल है भैया, यहाँ पर नीचे की साइड जैसे आप परचेस कर लोगे ना, तो नीचे की साइड ही आपको यहाँ पर देखो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा होम का, माई कोर्स का ऑप्शन। जो भी आप परचेस करोगे यहाँ पर आपको माई कोर्स वाले सेक्शन में शो करेगा। जो भी आप डाउनलोड करोगे वीडियो को, डाउनलोड वाले सेक्शन में क्लिक होगा। कोई भी डाउट आता है आपको हेल्प, यहाँ पर चैट का ऑप्शन दिया गया है तो चैट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप अभी देखो नया नया एप्लीकेशन बनाया, धीरे धीरे चीजें जुड़ रही हैं। अब आप बोलोगे सर इसमें मैंने क्लासेस देखी हैं, अभी काफी सारे छात्र जुड़ भी चुके हैं, तो मैं बोलूंगा कि अभी धीरे धीरे इसमें चीजें आ रही हैं। और बैच जो है मेरे भाई आपका हो सकता है कि मैं 15 से स्टार्ट करूँ या फिर आपका 20 से क्लासेस स्टार्ट होंगे, 20 अक्टूबर से आप ज्वाइन कर सकते हो अपना कोर्स, ठीक है। और 20 अक्टूबर से आपका जो है यहाँ पर, आज देखो आज इस कोर्सेस में जो है आपकी इंट्रो वीडियो आ जाएगी, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होंगी, सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी कोर्सेस में। और फिर आपको जो है 20 तारीख से, मैं 20 से स्टार्ट करता हूँ, कन्फर्म कर देता हूँ, है ना, 20 तारीख से फिर हम जो है का ये नया बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये 20 अक्टूबर से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। बाकी आज आपको इसके सिलेबस के बारे, मतलब क्लासेस की बात कर रहा हूँ, बाकी इसमें आपको सिलेबस वगैरह की वीडियोस देखने को मिलेंगे, आपको पढ़ना क्या क्या है पहले वो देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है ना, कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है ना, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर इस कोर्सेस में देखने को मिलेंगे। तो ये सिंपल लेआउट वाला एप्लीकेशन है मेरे भाई, जो आप लोग काफ़ी सारी डिमांड पर था कि बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे थे एप्लीकेशन को लेकर, सर एप्लीकेशन में थोड़ी दिक्कत है चेंज करवाइए। तो भैया ये एप्लीकेशन चेंज हो चुका है भाई, आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, है ना, ये बहुत ज्यादा बड़ी मतलब टाइम लगा, इससे मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना जो आपके छात्र दोस्त हैं, जो जिनको नहीं पता है कि आईटी एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन चेंज हो चुका है, उन्हें जरूर भेज देना मेरे भाई, ठीक है ना। तो आपको सिंपल है, कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर में जाओ, आईटी एग्जाम सर्च करो, दोबारा पहले उसको काटो एप्लीकेशन को, यदि आपने डाउनलोड पहले से कर रखा है अनइंस्टॉल करो, फिर दोबारा फिर से इंस्टॉल करो, ठीक है ना, और डाउनलोड करो मतलब, और उसके बाद उसको ओपन करके अपना जो भी प्रोसेस मैंने बताया है उस प्रकार से आप इसको रजिस्टर लॉगिन करके अपना स्टार्ट कर सकते हो अपनी क्लासेस। यदि कुछ भी समस्या आती है, यदि कोई भी आपकी समस्या आती है मेरे भाई, तो आपकी समस्या के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करोगे, ध्यान से सुन लेना, व्हाट्सअप मैसेज करोगे यदि एप्लीकेशन को लेकर कोई भी समस्या आती है तो ओनली व्हाट्सअप मैसेज करोगे इस नंबर पर, ठीक है ना। ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है चल रहा है ये 63981 इस पर आप ओनली मेरे भाई रिक्वेस्ट करोगे, कॉल नहीं रिसीव होगी इस पे, कॉल बहुत ज्यादा आती है, तो आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना जो भी आपका डाउट होगा, ठीक है। दो नंबर मैं दे रहा हूँ, दोनों नंबर पे किसी भी आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है ना। ठीक है ना, 70 60 57 91 60 63 98 71 37 92 दो नंबर हैं, दोनों में से आपको सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करना है मेरे भाई, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है ना, यदि कोई भी समस्या आती है एप्लीकेशन को लेकर के,
ठीक है मेरे दोस्त, तो दोनों नंबर मैंने आपको बता दिए, इन दोनों नंबर में से किसी पर भी आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं यदि कोई भी समस्या आती है एप्लीकेशन को लेकर के। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो फिर आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में, ग्रुप में। देखो काफ़ी दिन से आप लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, सर क्लासेस कब स्टार्ट हुई, तो क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली हैं 20 तारीख से, यानी कि 20 अक्टूबर से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आज से ही जो है इसमें सिलेबस की वीडियो आपको डालनी स्टार्ट हो जाएंगी, सिलेबस क्या क्या आपको पढ़ना है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अपना कोर्स जाओ, अपना ज्वाइन कर लो, ठीक है, जिसको भी आईटी एग्जाम की तैयारी करनी है 2025 के लिए। ठीक है मेरे भाई, तो मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही दोस्त, धन्यवाद।